धरती पंच दरियाओं में कल शाम 5 बजे वहां पर नशर किया जाएगा। अपने अपने स्कूल्स को जाकर बताएं कि इस चैनल पर आप पूरा प्रोग्राम वॉच कर सकते हैं। काम हुआ और हम भी यहाँ पे कर रहे हैं, डेफिनेटली बड़ा अच्छा रहा है, जिसमें बच्चों को बहुत कुछ आप कह लेंगे सीखने का मौका मिलता है। क्योंकि अगर बच्चों को सिर्फ किताबों पे फोकस रहे तो उनकी पर्सनैलिटी उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाती जब तक कि हम उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ना दें। तो यहाँ पे ज़ाहिर है किरात का, नात का, स्पीच का और स्पोर्ट्स गाला वगैरह सारे कॉम्पिटिशन तो हुए हैं, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन थे, बच्चों ने बहुत कुछ यहाँ से लर्न किया। मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट जाता है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को, जो कि पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं, 7,500 पार्टनर्स हैं, लाखों की तादाद में बच्चे हैं और इसी तरीके से लाखों की तादाद में उस्तादा इकराम हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है इस टाइम पे, जबकि बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है, पेफ्ट भी अपने बहुत सारे मसाइल हैं। इस टाइम पर जाके, इन दिनों में जाके इस तरह का इनिशिएटिव लेना, ये एक बड़ी बात है। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, डेफिनेटली मैनेजमेंट का एक अच्छा स्टेप है और इंशाल्लाह सब पार्टनर हम लोग मिल के इस सिलसिले को हमेशा के लिए जारी भी रखेंगे। इस एक्टिविटी से जो बहुत बड़ा बेनिफिट है वो हमारे बच्चे को, हमारे स्टूडेंट को है, जो कि अच्छा पढ़ेगा भी, अच्छा लिखेगा भी और उसके साथ साथ हेल्दी कंपटीशन की वजह से वो अपने आप के अपनी पर्सनैलिटी में मज़ीद निखार लेके आ सकेगा। तो इंशाल्लाह मुबारकबाद देते हैं, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे मुकाबले विन किए हैं। ये बड़ा प्यारा सा छोटा सा बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है, इसने भी तिलावत में 2nd पोजीशन हासिल की है, बड़ा ब्रिलियंट बच्चा है। दीगर भी बैग पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिन्होंने पोजीशंस ली, आज इंशाल्लाह उनको इनामात से भी नवाजा जाएगा। मैं आखिर में यही कहूँगा कि कमेटी के 3 लोग थे, नदीम चौधरी साहब, इम्तियाज़ अहमद शाहीन साहब और बंदा नाचीज़, तो तीनों लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया और पूरे पंजाब में जितनी भी तहसील कमेटियाँ बनी हैं, हमें ये लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा काम मालडाउन की तहसील ने किया है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो सिलसिला है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने स्टार्ट किया है, तहसील मॉडल टाउन की कमेटी बनाई है जिसमें सदर इम्तियाज़ शाहीन साहब हैं और कमेटी मेंबर शेख अरशद अटारा साहब हैं और मोहम्मद अदील जो स्टार मॉडल हाई स्कूल से हैं।
इन लोगों ने कम्युनिटी मेम्बरान के फ़राइज सर अंजाम दिए हैं। 3 डेज हम लोगों ने ये प्रोग्राम कंडक्ट करवाए हैं, जिसमें फर्स्ट डे किरात एंड नात का कंपटीशन था, और सेकंडली आउटडोर एक्टिविटीज़ थी जिसमें लॉन्ग जंप एंड 100 मीटर रेस थी, और आज इंशाल्लाह ताला जो स्पीचेस का कंपटीशन होगा ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। आज कल बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी जिस तरह से ज़हनी नशोनुमा हो रही है उसी तरह जिस्मानी नशोनुमा करने के लिए इस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुख्तलिफ स्कूल्स जो कि मॉडल टाउन तहसील से बिलोंग करते थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इन 3 डेज़ में हमने बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट्स को ऑब्ज़र्व किया और बच्चों ने बहुत जोश खरोश के साथ इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद अहमद, प्रिंसिपल हूँ साहिल ग्राम स्कूल का। साहिल ग्राम स्कूल हमारा पैप से इसका इलाहा है, और पैप ने ये जो इस दफ़ा पहली दफ़ा ये काम शुरू किया है तो ये गैर निसाबी सरगर्मियाँ शुरू की हैं। इसमें हमने हिस्सा लिया, इसमें 3 दिन हमने लगातार हिस्सा लिया। इसमें पहले दिन किरात हुई, तिलावत और उसके अलावा नात का प्रोग्राम था, फिर दूसरे दिन इसमें दौड़ थी और रेस थी, और इस तरह की आज इसमें स्पीच का मुकाबला है बच्चों का। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है जो पैप ने शुरू की है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के और मज़ीद प्रोग्राम पैप की जानिब से होते रहेंगे। इससे बच्चों की इस तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों की ज़हनी नशोनुमा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हमें तालीम के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहने चाहिए, इससे बच्चों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बच्चे जिस्मानी सेहत के साथ साथ उनकी ज़हनी सेहत भी बहुत ही इम्प्रूव होगी। बादशाहों को अपने दरबार में बुलाएगा कि कहाँ है वो इंसाफ करने वाले जो रूह ज़मीन पर इंसाफ किया करते थे। तो हम उनको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 100% मेरिट पर, जिस तरह लास्ट 2 डेज हमारे रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, इसी तरीके से आज की नशिस्त मुकम्मल होगी। दश्त तो दश्त सहरा भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये हमारी विरासत थी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हम उससे बहुत पीछे हट रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट है, हम दोबारा अपने बच्चों को अपने मुल्क को उसी ट्रैक पर लेकर आएंगे जो हमारी असल विरासत थी। इत्तेहाद की बात कर रहे थे कि कौमी यकजहती की बात कर रहे थे, कौमी यकजहती और इत्तेहाद ये है कि जिस तरह सर अशरफ साहब ने कहा, नजीब साहब ने कहा, बिलीव कीजिए कि हमारे सामने तमाम स्टूडेंट्स हमारे हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, जब इंसान एक मुनसबी के दर्जे पर फायज होता है तो उसके लिए तमाम के तमाम सभी अपने बच्चे होते हैं, उनमें इवन के अपनी औलाद भी हो तो वो भी उसी पैरामीटर पर जज होती है जिस तरह बाकी तमाम स्टूडेंट जज होते हैं। तो ये बशरी कोताही जरूर हो सकती है, लेकिन इनमें तमाम में इंसाफ के पहलुओं को मद्देनजर रखा जाता है। और इत्तेहाद बड़ी उम्दा चीज है जी, मट्टी के जरिए इत्तेहाद करते हैं तो ईंट बन जाती है, जब ईंट इत्तेहाद करती है तो दीवारें बनती हैं, दीवारें इत्तेहाद करती हैं तो मकान बनते हैं, मुल्क बनते हैं, दुनिया बनती है, यूनिवर्स बन जाता है। तो हमारे लिए सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी, मेवाती, ये कुछ नहीं है, हमारी पहचान एक है। अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया, अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया, और अल्लाह पाक ने हमें पाकिस्तान जैसी वो दौलत अता की जिसके लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे हिंद की तरफ से ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास होता है। तो हम चाहते हैं कि इस पाकिस्तान के नाम से आबाद होने वाले तमाम स्टूडेंट्स, तमाम लोग, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, वो अपनी पार्टिसिपेशन जरूर दें। पाकिस्तान की आबादी के लिए आप शीशे के सामने खड़े होकर जब तकरीर करते हैं ना, तो उस वक्त भी आपके सामने एक दूसरा मौजूद होता है, वो अपना आप है आपका। अब अपने आप से खुद एहतसाबी से कभी नहीं बच सकते। आज की ये जो तकरीब है, 3 दिनों से ये हेल्थी एक्टिविटीज चल रही है, और यकीन जानिए कि मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं भी किसी न किसी तरह इन एक्टिविटीज का हिस्सा बनूं, लेकिन हुआ ये कि जाहिर है कॉलेज की तंजीमी जिम्मेदारियां साथ
कोई भी सबक बना देते हैं। मुझे पता चला कि यार हमारा हॉल ऑक्यूपाइड है, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस हॉल में बैठूं, और अल्लाह ने मुझे क्या दिया, अल्लाह हमेशा इंसान को उसकी ईमान से ज्यादा देता है कि मैं ना सिर्फ यहाँ बैठा बल्कि आपके सामने मौजूद मुझे कुछ जुमले कहने का भी अल्लाह पाक ने मौका दिया। तो मैं तमाम मुंतजरीन की, तमाम हाजरीन की और खास तौर पर अपने कैंपस डायरेक्टर सर एजाज अहमद खान की बड़ी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनकी मुखलिसाना कोशिशों से हमारे इदारे में ऐसी इल्म अफरोज, ऐसी खूबसूरत महफिलों का इनेकाद हुआ। हमारे स्टूडेंट्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो सभी स्टूडेंट्स हैं हमारे, लेकिन जो हमारे किस कॉलेज के तालिब इल्म हैं, तलबा हैं, उनको मैं खासतौर पर कहूँगा कि इंशाल्लाह जो आपके लिए को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी आप ऐसी शिरकत करें कि हम जब आपके 14 डेज के बाद रिजल्ट अनाउंस करते हैं आपके क्लास टेस्ट के, तो हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके लिए भी रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तो मैं इजाज़त से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर हमें इसकी इजाज़त दें कि हम इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ यहाँ परफॉर्म कर सकें। बहुत शुक्रिया तमाम हाजरीन का, तमाम का। मुफीद आपने बातें की हैं जो कि हर स्टूडेंट के लिए, हर प्रिंसिपल के लिए एक इंस्पायरेशन रिवाइज बनेगी। रिजल्ट हमारा कुछ देर तक कंपाइल हो जाएगा और साथ साथ के जो व्यूज थे उसी दौरान हमारे एक और इज्जत माब मेहमान खसूसी जनाब आर हुसैन साहब जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इम्तियाज शाहीन साहब को मैं स्टेज पर दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए और जो अपने मेहमान हैं आज की तकरीब के उनको अपने हाथों से वेलकम करें और उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश करें।
फातिमा साहिब बच्ची का नाम है और स्कूल का ताल्लुक है शाहीन पब्लिक स्कूल। जब मैं सेकंड पोजीशन मिस बच्ची ने हासिल की है ताबिया शकूर डिस्का और मॉडल स्कूल कम ऑन द स्टेज। इस बच्ची ने माशाल्लाह अपने वजूद से अपने कद से ज्यादा बाल निकाली है और इसके लिए एक बड़ा फिर क्लैपिंग हो गई। फर्स्ट पोजीशन किसकी हो सकती है? बगैर स्पीच के पोजीशन मिलती है जी। फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची का नाम है फातिमा सईद स्कूल। इसका ताल्लुक है कटलाइन स्कूल से। इन सब बच्चों को तमाम जजेस की तरफ से
एस फाउंडेशन स्कूल सेकंड पोजीशन होल्डर अफगान ताहिर क्लास फिफ्थ एस फाउंडेशन स्कूल का क्लैप होना चाहिए बच्चे के लिए छोटा सा बच्चा ये लाभ लेने वाले बच्ची स्कूल है और वो बच्चा कहता है मैं कल ही काफी जोरदार तालियां